जनों, आप सभी को कार्तिक माह शुक्ल की पावन अष्टमी की हार्दिक बधाई हो। भक्तों, इस पावन अष्टमी को अहोई अष्टमी भी कहते हैं। इस दिन माताएं बहने अपनी अपनी संतानों की दीर्घायु एवं रक्षा हेतु माता अहोई का व्रत उपवास रखती हैं। सारा दिन निर्जला निराहार व्रत रखती हैं तथा सायंकाल को माता अहोई की कथा सुनती हैं। रात को तारों को अर्घ्य देकर ही एक समय भोजन ग्रहण करती हैं। भक्तों, अहोई अष्टमी से जुड़ी एक पावन संगीतमय कथा मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ, जिससे आपको ज्ञात हो जाएगा कि कैसे माता अहोई संतानों की रक्षा करती है। एक बार दोनों हाथ उठाकर मैया की जय बोल दीजिए। माताएं बहने अहोई मैया का व्रत करती हैं। माता अहोई संतानों की भक्तों रक्षा करती है। माताएं बहने अहोई मैया का व्रत करती है। मैया अहोई संतानों की भक्तों रक्षा करती है। माता अहोई व्रत की पावन कथा कुछ इस प्रकार से है। किसी नगर में एक सेठ जी अपनी पत्नी, 7 पुत्र और 7 पुत्रवधुओं के साथ आराम से रहा करते थे। उनकी एक पुत्री भी थी जो उन्हें अत्यंत प्रिय थी। पुत्री अपने भाइयों और भाभियों की भी लाडली थी। कार्तिक माह में पड़ने वाले त्योहारों को मनाने हेतु पुत्री मायके आई हुई थी। सभी भाभियों के साथ उन्होंने विचार बनाया कि क्यों ना त्योहारों से पहले घर आंगन को अच्छी तरह लेप लिया जाए। सो उन्होंने खेत से मिट्टी लाने की सोची। सभी भाभियां और वो ननद किसी खेत में पहुंचे भक्तों, और वो मिट्टी खोदने लगे। मिट्टी खोदते खोदते उसे ये नहीं पता था कि वो अपना भाग्य भी खोद रही है। होनी क्या खेल रचा रही है, आइए सुनते हैं। घर आंगन को लीपने हेतु माटी लेने आई है। माटी का एक ढेर जो देखा खुरपी हाथ उठाई है। माटी के उस ढेर के नीचे स्याहू के बच्चे रहते थे। खुरपी चलाई छोटी बहन ने साहू के बच्चे मरते थे। दौड़ी आई स्याहू माता क्रोध खना वो करती है। दौड़ी आई स्याहू माता क्रोध घना वो करती है। मैया अहोई संतानों की भक्तों रक्षा करती है। रोती बिलखती क्रोध में स्याहू माता पुत्री के सन्मुख आई और बोली, जैसे तूने मुझे संतान विहीन रखा है, वैसे ही मैं भी तुझे संतान विहीन रखूंगी। मैं अभी इसी समय तेरी कोख बांधती हूँ। बेटी ने जैसे ही ये सुना स्याहू माता के चरणों में गिरकर क्षमा प्रार्थना करने लगी। परंतु स्याहू माता क्रोध में भरी हुई थी, बोली, यदि तू नहीं तो तेरी कोई भाभी ही अपनी कोख बंधवा ले, परंतु मैं कोख बांधने का श्राप तो अवश्य दूंगी। छोटी बहन ने अपनी भाभियों से प्रार्थना की कि वो उसकी जगह अपनी कोख बंधवा लें, परंतु कोई भाभी तैयार नहीं हुई। भक्तों, ऐसे में सबसे छोटी भाभी आगे आई और वो
अपनी कोख बंधवाने को तैयार हो गई। भक्तों, स्याहू माता ने उसकी कोख बांध दी और उसी के प्रभाव से उसके सात पुत्र हुए भक्तों, परंतु जन्म लेते ही मर गए। छोटी बहू और उसका पति रोते रहते, विचार करते रहते। तभी उन्होंने पंडित जी से इस समस्या का कोई निदान पूछा, तो पंडित जी ने क्या निदान बताया, आइए सुनते हैं। सुरही गाय की सेवा करना, सुरही स्याऊ की बहना है, वो ही कोख खुलाए तेरी बेटी मेरा कहना है। जी और जान से सुरही की फिर सेवा में लग जाती है, ओ प्रसन्न फिर सुरही उसको स्याऊ पास ले जाती है। सात समुंदर पार है बहना, सुरही माँ ये कहती है, सात समुंदर पार है बहना, सुरही माँ ये कहती है। माता अहोई संतानों की भक्तों रक्षा करती है, छोटी बहू और सुरही गैया स्याहू से मिलने सात समुंदर पार चल पड़ते हैं, परंतु सात समुंदर बहुत दूर थे। भक्त चलते चलते मार्ग में थक गए, एक छायादार वृक्ष देखा, सोचा इसके नीचे थोड़ा विश्राम कर लेते हैं। गैया माता विश्राम करते ही निद्रा में पहुंच गई, परंतु बहू की आंखों में निद्रा तो थी कहां। दुखी जो थी बेचारी कि तभी क्या देखती है, एक सर्प पेड़ के ऊपर चढ़ा जा रहा है। ऊपर देखा तो गरुड़ पंखिनी के बच्चे उसके घोंसले में सोए हुए थे। बहू ने तुरंत ताड़ लिया कि ये सांप बच्चों को खाने जा रहा है, सो लाठी लेकर उस सांप को मार दिया। इतने में गरुड़ पंखिनी लौट कर आई, भूमि पर पड़ा लहू देखा तो सोचा बहू ने उसके बच्चे मार दिए हैं। अपने चोंच और पंखों से जैसे ही हमला करने लगी, सुरही गैया उठ गई और सारा सत्य गरुड़ पंखिनी को बताया। गरुड़ पंखिनी ने वरदान स्वरूप उन्हें अपने पंखों पर बिठाया और सात समुद्र पार स्याहू मैया के पास ले आई। स्याहू और सुरही प्रेम से गले मिले भक्तों, और जब बहू के विषय में बताया तो बोला ये तेरी सेवा करने आई। तब स्याहू ने बहू से कहा, मैं जुओं से बड़ी परेशान हूँ, मेरी जुएं निकाल दे। बहू ने जुएं निकाल दी, अब आगे क्या घटना घटती है आइए सुनते हैं। स्याहू माँ ने छोटी बहू से जुएं फिर निकलाई है, उन जुओं से स्याहू माँ ने भक्तों मुक्ति पाई है। पुत्रपति भव स्याहू माँ से आशीर्वाद पाई है, चरणों में बैठी स्याहू के रो रो रात बिताई है। कोख बंधाने की बातें वो स्याहू को बतलाती है, कोख बंधाने की बातें वो स्याहू को बतलाती है। माता अहोई संतानों की भक्तों रक्षा करती है, बहू ने स्याहू माता को सारा वृतांत याद दिलाया। बोला, माँ आप ही ने तो मेरी कोख बांधी हुई है और अब आप ही मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे रही है, बताइए दोनों में से कौन सी बात सत्य होगी। स्याहू माता बोली, छोटी बहू तू बहुत चालाक है, तूने बड़ी चालाकी से मेरी सेवा करके मुझसे आशीर्वाद ले लिया है, और जब मैंने आशीर्वाद दे ही दिया है तो भला वो फलीभूत नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। जा, मैं तेरे सातों मरे हुए पुत्रों को जीवित करती हूँ, जब तू यहाँ से घर जाएगी तो मेरी बात ध्यान से सुन, जैसा जैसा मैं बताती हूँ वैसा करना।
माता अहोई का उद्यापन कराना, सात कढ़ाई करना, सात अहोई बनाना, बहुत धूमधाम से माता का उद्यापन कराना, आरती चालीसा मंत्र गाना, फिर देख माता अहोई तुझ पर और तेरी संतानों पर सदा कृपालु बनी रहेंगी। जब बहू लौट कर अपने घर आती है तो सातों पुत्रों को पुत्र वधुओं समेत जीवित पाती है। सभी साचे मन से अहोई मैया की जय जयकार करते हैं। बोलिए अहोई मैया की। स्याहु माँ आशीषे देती बहुत घर में आई है, सातों बेटे जीवित पाए बहुएं भी वो पाई है। घर वालों ने जब ये सुना तो सारे दौड़े आए, एक ही स्वर में माता अहोई के जयकारे लगाए। माता अहोई भवसागर से नैया पार लगाती है, माता अहोई भवसागर से नैया पार लगाती है। माता अहोई संतानों की भक्तों रक्षा करती है। सारा परिवार माता अहोई की जय जयकार करता है, उनके चरणों में नमस्कार करता है और एक स्वर से एक साथ मिलकर माता का उद्यापन करने की तैयारी करते हैं। भादों की अष्टमी शुक्ल को माता अहोई के व्रत पूजन करते हैं, सारा दिन निराहार रहते हैं, सात अहोई बनाते हैं, सायंकाल माता की सात कढ़ाई करते हैं, तारों को अर्घ्य देकर माता को भोग समर्पित कर सभी भोजन ग्रहण करते हैं और माता की आरती चालीसा बीज मंत्र का पाठ कर माता रानी की कृपा को प्राप्त करते हैं। तो भक्तों, हमारी माताएं बहनें जो भी संतानों की रक्षा करना चाहती हैं, माता अहोई का व्रत उद्यापन इसी विधि से करती हैं ताकि उनकी संतानों की रक्षा हो और वो दीर्घायु रहे। तो आइए आप और हम भी माता अहोई की कृपा को प्राप्त करते हैं। कार्तिक अष्टमी जब भी आती माताएं व्रत रखती हैं, माता अहोई को है मनाती उद्यापन भी करती है। माता अहोई संतानों की भक्तों रक्षा करती है, खाली झोली जो भी लाता कृपा से माँ भरती है। चंदन तिलक ये कहता मैया सुख जीवन में लाती है, चंदन तिलक ये कहता मैया सुख जीवन में लाती है। माता अहोई संतानों की भक्तों रक्षा करती है। माताएं बहने अहोई मैया का व्रत करती है, मैया अहोई संतानों की भक्तों रक्षा करती है।